बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, नमस्कार। Assalamu alaikum, good morning everyone. I hope wherever you are, you must be fine and you must be shine. Assalamu alaikum, good morning. I hope wherever you are, you must be fine and shine. I welcome you to all of you in today's video. I have with me Mr. Sabhi Azhar, Mr. Mohsen Ali, जिनकी टीमें एलिमिनेट हो, जिनकी टीमों का सफर आईपीएल 2020 में तमाम हो चुका। मोहसिन भाई का तो खैर पहले ही हो गया, काफी दिन हो गए। सभी भाई की टीम का भी कल, हु इज लीडिंग दैट पांच टेबल, हु, सभी भाई की टीम का भी सफ तमाम हो गया कल, सफर आफरत हो गया कल के 20-20 में। ऐसे मत बोलो यार, 20 में यार, 20-20 में अभी तो आईपीएल, आईपीएल 20-20। ठीक है जी, अब हम सब अगले 6 महीने की तैयारी करेंगे। और अब मुकाबला बचा है जी तीन टीमों के दरमियान, तीन क्या बल्कि दो के दरमियान, कि किसने फाइनल में जाना है और फिर फाइनल में हारना है। अब ये अगले मैच में फैसला होगा, दिल्ली कैपिटल वर्सेस हैदराबाद की टीम। और कल का जो मैच हुआ है उस पर भी हम डिटेल में गपशप करेंगे। और आज भी बहुत बड़ा मुकाबला है, पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे, बहुत बड़ा मुकाबला, बहुत बड़ा T20। और पाकिस्तान प्राइड बचाने के लिए खेल रहा, उस पर भी डिस्कशन होगी। और उससे पहले आपको एक ऐलान समाप्त फरमाइए। आज सभी अजहर साहब की जो अकेडमी है, क्रिकेट अकेडमी, उसका प्रॉपर इनॉग्रेशन होना है, फीता शीता काटने, काफी फॉर्मर क्रिकेटर आएंगे, रौनक लगेगी। और शाम को हम सभी भाई के चैनल से और शायद के इस चैनल से भी आए वहीं से ऑनलाइन, और आपको जरा रौनक मेला दिखाएंगे। तो आप टाइम निकालिएगा उस वक्त 3:30-4:30 के बीच में, पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक टाइम आगे पीछे देख लीजिएगा। वेलकम टू बोथ ऑफ यू। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग, आई होप यू ऑल वेल। और कल आप बिल्कुल सही कहा, आरसीबी का सफ़र ख़त्म हो गया और काफ़ी सारे सवाल जो है कल के मैच पे वो सुना रहा थी, नींदर नहीं आई। नहीं, मैंने नींदर क्यों नहीं आई, मैं मुझे पता था, मैंने आपसे पहले भी जब एनालिसिस वगैरह किए हैं उसमें हैदराबाद की टीम को फेवरेट ही किया था, तो रिजल्ट एज एक्सपेक्टेड ही। यार आपने कल कहा था 60-40, तो 60-40 सिंध के, उसमें सिंध में कहा था, सनराइजर हैदराबाद के फेवर में कहा था। तो आपने कहा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुपरबाद, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। कोई बात नहीं, ये सफरें तो चलते रहते हैं, मैच अच्छा होना चाहिए। और 131 पे भी आप दो बॉले पहले ही जीते हैं, कौन सा 20 बॉले पहले जीत गए। और वो तो थैंक यू वेरी मच टू विलियमसन, 65 रन की अगर वो पार्टनरशिप ना लगती विलियमसन और अपना क्या है वो होल्डर की, लग पता जाना था कल। नहीं सर वो तो बात हम कर लेंगे मैच पे, पहले आप बताइए ना, आपने के भाई की दोनों टीमें पहुंची हुई हैं टॉप पे, तो उस पे कुछ थोड़े से अल्फाज। नहीं आपके तीन हाँ दोनों टीमें आप कह सकते हैं, यू आर राइट। नहीं तो ये तो कल भी कहा था सर, अभी दोपहर शाम सुबह के टाइम अच्छा था ना, बंदा फ्रेश होता है, रात को आपको नींद अच्छी आए, सुबह आपका दिन अच्छा गुजरे, दोपहर को आपको क्या, ये क्या है यार, व्हाट इज दिस, मुंबई फाइनल में दिल्ली कैपिटल। देखें इनकी दो जो इन्होंने जी बात, टॉप फोर के उसमें दो टीमें अभी अंदर, दो अंदर है सर, दो के बाद को तो नहीं, एक मेरी है। हैदराबाद को हमने जो है ना वो नहीं चार में रखा था शुरू में, जब हमने ऊपर नीचे टेबल्स होते रहे, और यही खूबसूरती है क्रिकेट की, सही बात, आगे कभी पीछे, कभी यूं कभी वूं, आखिरी दम तक नहीं पता चला। लेकिन एक चीज जो पता चली, जो थी, जो हम तीनों मुत्तफिक थे, वो थी मुंबई इंडियन, और उसने उसको बिल्कुल साबित किया कि नहीं जी हम वर्दी हैं। और देखें वो 5 दफा जीते हैं, 500 दफा जीते हैं, अगर अच्छा खेल रहे हैं, जो भी अच्छा खेल रहा है उसको जीतना चाहिए, ये कोई बात ना हुई जी कि नया आना चाहिए, नहीं जी, फॉर द सेक ऑफ व्हाट इज फॉर द, ऑस्ट्रेलिया इतने साल जीतता रहा, उस वक्त तो किसी ने नहीं कहा नहीं सर, मैं उस वक्त मेरी ख्वाहिश होती थी
ऑस्ट्रेलिया जीते ना, ऑस्ट्रेलिया बहुत दफा जीत गया यार, नहीं होते ना काम। पाकिस्तान को हराया 99 में, 2003 में इंडिया को हराया, 2007 में श्रीलंका को हराया। अपने चैनल रिजवान अदर पे आएंगे, वो हम आएंगे जो शाम को हम रूटीन करते हैं, वो हम आएंगे पाकिस्तान के मैच के बाद, T20 के बाद जो शाम वाला शो करेंगे आज हम जो अपना करेंगे, सभी भाई वाले में तो हम आएंगे ही आएंगे जो अकेडमी ये बात हम लगे होंगे। खैर आपका चैनल है, हम चाहे 2-3 बार भी आ सकते हैं, 4-5 दफा भी आ सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन कोई दिक्कत मैच के बाद देखना होगा ना कि आपके सुपर स्टार्स, द ग्लिटरिंग स्टार्स क्या करते हैं आज मिनोज जिम्बाब्वे के खिलाफ। ठीक है काका मैच जी, काफी लोग सवाल उठा रहे हैं कि ये आरसीबी कब जीतेगी, और विराट कोहली की कप्तानी में अगर आरसीबी का ये हाल है तो इंडिया की टीम का फिर क्या हाल होगा, और अगर आगे 2-3 वर्ल्ड कप आ रहे हैं अगले 2-3 सालों में, और 2 T20 के, 1-50 ओवर का वर्ल्ड कप, और अगर उसमें नॉकआउट में भी ऐसी ही परफॉर्मेंस आई तो फिर टीम पे बड़ा प्रेशर आएगा और टीम की क्या सूरत हाल होगी। और यही हम देख रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हो या वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हो, जो द मोस्ट क्रूशियल गेम ऑफ द टूर्नामेंट होती है, उसमें जाके इस तरह की परफॉर्मेंस क्यों आ रही है। और रोहित शर्मा भी वैसे नॉकआउट में अपनी मुंबई के लिए भी खैर अच्छा नहीं खेल रहे, और उन पे भी कहा जा रहा है यही कि बड़े मैच के जो है उसमें जो परफॉर्मेंस आनी चाहिए वो क्यों नहीं आती, तो इस पर ज़्यादा थोड़ी डिस्कशन कर लेंगे। बाकी उनकी टीम का जो बैलेंस था उस पर, और क्या वो कर सकते थे, और आने अब नेक्स्ट IPL में उनको क्या ऐसा करना चाहिए। तो बाकी फिर विलियमसन उनकी भी और उनकी टीम की भी, हैदराबाद की भी ज़रा बात कर लेंगे। तो सबसे पहले जी ये कि अगर अभी दोबारा वही, कल भी हमने डिस्कशन की कि सवाल ये उठना स्टार्ट हो गए हैं कि विराट कोहली एज अ कैप्टन तो ठीक है, लेकिन एज अ बैट्समैन और जब वो रन्स नहीं करते नॉकआउट में तो प्रॉब्ली लाइक इट इफेक्ट्स हिज कप्तानी के स्किल्स एज वेल। आप दोनों का क्या ख्याल है इसमें कि इसको IPL के उस पर जज करना, फिर उनको अगर जो शायकीन है, जो उनके फैंस, उनको कहा जाए कि जी इंटरनेशनल और होता है, IPL और होता है, तो कहते हैं जी इंटरनेशनल में भी तो दो मौकों पे ऐसा हो चुका है कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैच ऑफ द टूर्नामेंट उसमें विराट कोहली नहीं चले, तो इस पर आप दोनों की क्या टेक है? देखें ये मेरा ख्याल है कि इस पर काफ़ी सारे क्रिटिसिज्म मैं भी देख रहा हूँ कि रोहित शर्मा पे भी है कि जी ये इंडिया के लिए तो बहुत ज़बरदस्त खेलता है और IPL में कोई इतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं करता। विराट कोहली का भी सेम है, उसका भी ये वाला IPL भी इतना अच्छा नहीं गया और वो भी ऑन एंड ऑफ मतलब, लेकिन इंडिया के लिए देखिए आप मेन जो आप आगे आने वाले इवेंट्स हैं वो इंडियन क्रिकेट टीम के हैं। IPL आज विराट कोहली का ख़त्म हो गया, इसके ऊपर बहुत सारा लंबा प्रोग्राम भी किया जा सकता है कि क्या टीमों ने खोया, क्या टीमों ने पाया। अब आगे आने वाले IPL में बेंगलोर की टीम क्या किस तरह का कम्बिनेशन लेके आएगी, कैसे प्लेयर लेके आएगी, लेकिन अब जो ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, अब विराट कोहली की ये जो फॉर्म है, हाँ जी, अब ये क्या वहां पे जाके ये कैरी करेगा नहीं करेगा, बीच में अब और कोई क्रिकेट नहीं है, स्ट्रेट अवे ऑस्ट्रेलिया जाना है, वहां पे इनका कैंप है, देन स्ट्रेट अवे इंटरनेशनल क्रिकेट में इन्होंने चले जाना है। तो ये अब जो डिफरेंस है कि वाई IPL में परफॉर्मेंस नहीं है और इंटरनेशनल में परफॉर्मेंस है, अब इस पे जो है ना सोचने वाली बात है, मे बी इट्स अ माइंड सेट। और विराट कोहली का तो मुझे कल भी मैसेजेस आए हुए हैं कि जी इसको एज ए बैट्समैन ही खेलना चाहिए, अब इसको कप्तानी छोड़ देनी चाहिए। तो मेरा नहीं ख्याल है कि एज ए कैप्टन इंडिया के लिए जो उसने परफॉर्मेंसेस काफ़ी हैं, ठीक है, जो अब दो इवेंट ऐसे हुए कि जहाँ पर ज़रूरत थी वहाँ पर इंडिया की टीम परफॉर्मेंस नहीं उस तरह कर सकी या फाइनल ही जीत सकी या फाइनल मैं नहीं पहुंच सकी। तो ये आप देखने वाली चीज़ है कि विराट कोहली देखें ये मतलब एक जानबूझ के तो कोई आउट होता नहीं है, लेकिन विराट कोहली इज ए प्लेयर के जो किसी भी बड़े इवेंट में बड़ा स्कोर कर सकता है, और हमेशा उसने इंडिया के लिए बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेस दी हैं। 70-100 जो है वो इतने आसान नहीं है करने तीनों फॉर्मेट्स में, बल्कि दो फॉर्मेट्स में, अभी T20 में उसकी सेंचुरी नहीं आई है। तो अब आप उस 70 सेंचुरियों में अब आप उसको बिल्कुल राइट ऑफ तो ना करें कि जी अब टूर्नामेंट नहीं जीता तो उसके अकेले का कसूर तो नहीं हो सकता कि अब वो अकेला ही जिताएगा, बाकी पूरी टीम है उनकी, और जिस तरह के अब लड़के नए आ रहे हैं तो मेरा ख्याल है आने वाले फ्यूचर में, हाँ अब ये कोहली की जो फॉर्म है क्या ये इसको 223 वर्ल्ड कप तक कैरी कर सकेगा, क्या ये टीम में अपनी जगह भी उतना रख सकेगा। अगर रोहित शर्मा टीम से बाहर हो सकता है तो फिर कोई भी प्लेयर हो सकता है,
कंसीडरिंग हिज परफॉर्मेंस. नहीं बाहर तो खैर वो नहीं होंगे, जितने 8-10 साल खेलेंगे आई बिलीव के उनमें इतना वो है पोटेंशियल और फॉर्म वो अपनी कंटिन्यू रखेंगे. मौसम भाई दो बातें, एक तो उनकी इस आर्गूमेंट से मैं ज़रा डिसएग्री करूंगा कि जी नॉकआउट में हमेशा ही परफॉर्मेंस नहीं आती. दे आर सो मैनी एग्जाम्पल्स जो उसने नॉकआउट मैच में T20 वर्ल्ड कप 2016 के क्वार्टर फाइनल ऑस्ट्रेलिया, फिर वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सेमीफाइनल में, उसके अलावा भी दे आर मेरी इंस्टेंसेज 2014 के जो वर्ल्ड कप ये हारे थे श्रीलंका से सबसे ज़्यादा फाइनल में इसी के रन थे. काफ़ी और भी मैचेस हैं जो सब अच्छे रन किए हुए हैं. फिर वो कहते हैं जी वो तब परफॉर्मेंसेज आई थी जब ये एज अ प्लेयर खेल रहे थे, शायद ये कप्तानी का बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रहे हैं और जब से कप्तान बने हैं तब ये नॉकआउट में इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं आ रही, पहले फिर भी आया करती थी. तो क्या कहेंगे आप इस पर? पहली बात तो ये सभी ने ये क्या कहा है कि इस फॉर्म को कैरी, फॉर्म तो है ही नहीं उसकी. आप कहेंगे ये जो आउट ऑफ फॉर्म है ये किस वक्त फॉर्म में आ जाएंगे, मतलब फॉर्म कहाँ है उसकी? कोहली जैसा मतलब कल अगर मैंने सभी भाई 60% इनको दिया था ना, तो जरा कल का वीडियो अगर किसी ने नहीं देखा तो दोबारा देखें. वो था दो प्लेयरों पे मैंने कहा था, एक एबीडी विलियर्स और एक कोहली, यही कहा था ना. एबीडी विलियर्स ने तो किए, अगर कोहली उससे आधे भी करता तो यानी 150 रनों से ऊपर हो जाते. खैर वो इफ्स एंड बट्स क्रिकेट में चलती नहीं. मैं इस बात को कंप्लीटली रबिश कहूँगा, बकवास, बेकार गुफ्तगु, बेकार बहस है कि टाइटल नहीं जिताया. तो गंगुली साहब ने भी तो टाइटल कोई बड़े नहीं जिताए थे, लेकिन उन्होंने जो क्रिकेट की सर्विस की है, जो इंडियन क्रिकेट आज जिस जगह खड़ी है, क्या आप कहेंगे कि गंगुली साहब का कोई किरदार नहीं है? ये तो कोई बात ना हुई भाई, ये नहीं होता. होता ये है कि इस वक्त क्या है, इस वक्त देखना यह है कि इंडियन टीम एक ट्रांजिशन पीरियड से गुजरी है. हर टीम गुजरती है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की हो, चाहे अफ्रीका. देखें अफ्रीका अभी भी स्ट्रगल कर रहा है. इंग्लैंड को हमने कितनी दफ़ा देखा है फाइनल आ रहा है, जहां वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा हार जाया करता था. ये एक मेंटेलिटी होती है, एक टाइटल चाहिए. मैं बार बार आपसे कहता हूं थोड़ा सा हौसला करना. हम इतनी जल्दी भागते हैं, एक इनिंग्स पे हम सुपर डुपर स्टार बनाते हैं, एक गलत बॉलिंग पे हम कहते हैं ये ख़त्म हो गया. अभी आप इस टूर्नामेंट के दौरान उठा के देखें, लाखों मैसेज पड़े होंगे, ओ जी बुमराह तो आप नज़दीक भी नहीं रहा, और आप कहते हैं बूम बूम बुमराह फलाना. यार इतनी तेज मत भागें. कोहली है, हिटमैन है, राहुल है, आयर है. अगर हम टेस्ट सर मोहसिन भाई आप सही कह रहे हैं, सवाल ये है कि वो एज अ प्लेयर उसकी क्रेडिबिलिटी पे कोई शक नहीं है. कप्तानी कह रहे हैं कप्तानी का शायद एक्स्ट्रा प्रेशर ले रहे हैं जब तक एज अ प्लेयर खेल रहे थे धोनी के अंडर. कौन सा ऐसा कप्तान है जो कोहली की तरह परफॉर्म कर रहा है? कोई एक नाम बता दें. फिर विलियमसन पे बैट पैच नहीं आया एज ए कप्तान. जो रूट को हम नहीं देख रहे हैं कि बुरी तरह फ्लॉप हो रहा है, क्या बात कर रहे हैं यार. हो जाता है. देखिए रिजवान एक पीरियड आता है, बड़े से बड़ा प्लेयर तेंदुलकर पे नहीं आया था. अभी हम धोनी को नहीं देख रहे कि जिस फॉर्म से वो गुजर रहा था. हो जाता है, ये नहीं हो. देखो बड़ा प्लेयर जो होता है ना वो कप्तानी का प्रेशर उसी तरह सस्टेन करता है जिस तरह वो बैटिंग में या बॉलिंग में करता है. ये बिल्कुल गलत बात है. यस एट द मोमेंट कोहली और फिर उसकी कुछ टीम सिलेक्शन. देखें टीम सिलेक्शन बड़ा मैटर करती है. क्रिकेट इज ए टीम गेम, इट्स नॉट एन इंडिविजुअल गेम. सर ये बैड पैच तो नहीं है ना मौसम भाई, कि अगर आप चार मैचों में परफॉर्म कर रहे हैं जो नॉकआउट है उसी में आप फेल हो रहे हैं, तो ये बैड पैच तो नहीं हुआ ना? नहीं, इस देखे अभी कौन सा परफॉर्म है, अभी वो तो सारे पुराने हो गए ना. अगर आप वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं 2019 की, तो 19 हो गया ना, अब 20 है. अभी आप खुद कह रहे हैं कुछ दिनों से कि IPL इज नॉट द क्राइटेरिया, ठीक है ना. अब जब इफ IPL इज नॉट द क्राइटेरिया देन वेट फॉर ऑस्ट्रेलिया सीरीज. ऑस्ट्रेलिया सीरीज बिल्कुल सर पे खड़ी है. देखें मुझे अब भी, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, किसी को नाराज होना है बेशक हो जाए, कि आपने कुछ टीम सिलेक्शन में बोल दे कि पृथ्वी शॉ है, बेशक वो ना खेले, जा तो रहा है ना भजन. जब इस तरह के लोग जाएंगे, अब देखें दुबे है, कल हमने देखा क्या कर रहा है. मतलब पूरे IPL में हमने देखा वो दुबे बिल्कुल आउट ऑफ सॉर्ट्स है. ऋषभ पंत हमने देखा आउट ऑफ सॉर्ट्स है. एक आध मैच में हमें आयर की परफॉर्मेंस नजर आई आउट ऑफ, जहां प्रेशर आया सारे कप्तानों पे प्रेशर आया, उन सब ने मेल्ट किया, चाहे वो वार्नर हो, चाहे वो आयर हो, चाहे राहुल हो. सर वार्नर परफॉर्म किया कब? उसने वो का मेल्टडाउन हुआ प्रेशर में ही तो उनकी टीम गेम निखर के आई है. वार्नर ने प्रेशर में ही तो हमेशा तो परफॉर्म किया. कल नहीं था मैं बड़ा मैच यार, 3-4 मैचेस में आप उसकी देखे, हर मैच ही उनके लिए नॉकआउट है. तो वो परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं यार. डू ऑर डाई तो कल ही था ना भाईजान. यार जिस तरह वो खेला था
ठीक ही खेला था, अच्छा पॉजिटिव माइंडसेट से खेल रहा था। डू और डाई की आप बात कर रहे हैं ना मुझसे, तो ठीक है 18-20 किए, कल के मैच के आप टोटल देख रहे हैं तो 17, तो 131 में 17 था ना भाईजन। हाँ, और अगर वो ना आता विलियमसन और उसकी उससे पहले आप मैच का नहीं बता रहे जिसमें 80 किया उसने यार, फिर वो उससे पहले डू एंड डाई नहीं था, उससे पहले कोहली के भी उससे पहले डू एंड डाई है, हैदराबाद के सारे मैच ही डू एंड डाई है, पिछले 4 मैच उठा के देख लें सारे हैं, हारे तो बायर्न वरना डू एंड डाई है सारा। आज की परफॉर्मेंसेस 14 में से 15 मैच खेल लिए ना कल वार्नर ने, 15 में से कितने मैचों में उसकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, जैसा वार्नर प्लेयर है सर अंडर प्रेशर वो उसकी कंसिस्टेंट ही परफॉर्मेंसेस आ रही है हर मैच में ऑलमोस्ट। मैं अपने इस बहस में नहीं पड़ता, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि कोहली जो है वो फॉर्म में भी आएगा, वो टाइटल भी जिताएगा। मैं आपको लिख के देता हूं 2021 वर्ल्ड T20 से वो अपने डक तोड़ देगा। अच्छा सभी भाई, आरसीबी की जो टीम का कॉम्बिनेशन है उस पर एक सजेशन तो ये है कि दे, वो कल उसने बात की थी इरफान पठान ने, कि मुझे अच्छी उनकी खूबसूरत बात लगी, उन्होंने कहा कि जी इनको कुछ अगले ऑडिशन में कुछ ऐसा एक मजीद भी जो फिनिशर है इंडियन फिनिशर बीच में वैसा भी एक रखना चाहिए, जैसे कि हर टीम में एक आधा नज़र आता है, लेकिन इनकी जो सारी होप्स हैं वो दो ही खिलाड़ियों से हैं, विराट कोहली से और एबी डिविलियर्स आके नीचे, उनसे बड़ा प्रेशर बन जाता है, तो टीम का कम्बिनेशन भी अच्छा होगा अगर एबी और विराट कोहली के अलावा इनके माइंड में हो क्या नीचे एक ऐसा एक बैट्समैन है लोकल इंडियन कि जिस पे हम रिलाय कर सकते हैं कि अगर मतलब 150 के स्ट्राइक रेट से रन करने हो तो वो कर सके, एक तो ये भी ठीक है, ये वीकनेस उन्होंने सही समझ आई जो नज़र आती है। मजीद आप क्या समझते हैं कि इनकी टीम की फॉर्मेशन में, और मैं तो समझता हूँ एक जेन्युइन जो इनका फास्ट बॉलर है स्टेन नहीं, ही इज वेल पास्ट हिज लाइक प्राइम नाउ, कि जो अच्छा इंटरनेशनल क्रिकेट में कर रहा है इंडिया से हो या इंटरनेशनल उसमें हो वो भी होना चाहिए, तो मजीद कैसे ये क्या करें कि इनकी टीम ज़रा मजीद बेहतर हो। देखिए जो मेन सक्सेस है ना मुंबई इंडियन की वो आप देख लें लोकल प्लेयर्स, ठीक है, लोकल प्लेयर्स देयर परफॉर्मिंग वेरी गुड, वो जो टॉप के प्लेयर हैं वो जो करंट इंडियन प्लेयर हैं। हाँ, तो ये तो इस पर तो हम काफ़ी सारे डिबेट कर चुके हैं बहुत सारे अपने प्रोग्रामों में कि टीम्स को जैसे CSK का भी हम बार बार यही कह रहे थे कि उनको भी लोकल टैलेंट जो है वो लेके आना है टीम में। तो बिल्कुल आपकी बात सही है कि RCB को अब जो मतलब है जो 2-3 विराट कोहली के साथ मिलते जुलते प्लेयर वो टीम में चाहिए लोकल प्लेयर्स। देखें डूबे है या जो इस तरह के प्लेयर नहीं परफॉर्मेंस कर रहे हैं और ना वो उनमें इतनी कैपेसिटी है कि वो हार्दिक पांड्या टाइप परफॉर्मेंस करें, यानी बॉलिंग में भी एवरेज से और बैटिंग में भी एवरेज से ही है जी। तो अब इनको 2-3 टॉप के जो है ना वो प्लेयर चाहिए, और जो आप बात कर रहे हैं ना एक्सप्रेस बॉलर वो भी इनको लोकल ही चाहिए, ऐसे अफसियानी है ठीक है, इसके सैनी, इसके साथ इनको एक और लड़का ऐसा चाहिए जैसे नतरंजन बॉलिंग कर रहा है, जैसे और कितने मारवी है या मतलब इस तरह के काफी सारे प्लेयर हैं, निगार कोटी जो कि दूसरी टीमों में शायद पूरा चांस नहीं मिल रहा। हाँ, तब कोहली को अपनी टीम बनाने के लिए इस तरह के 3-4 प्लेयर लेके आने हैं, और स्पिनर भी एक आधा कोई क्लास का इनको, जैसे चाहल है, चाहल विकेट टेकिंग बॉलर है, तो एक आधा इस तरह के प्लेयर इनको अपनी टीम में लेके आएंगे, इनकी टीम की फॉर्मेशन अच्छी बनेगी। फिर जो मतलब जो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे फिंच के साथ वो नहीं वो डिलीवर कर सका, इन फिंच को किस लिए लेके आए थे, पहले पावर प्ले के लिए कि हमें अच्छे स्ट्राइक रेट से ऊपर से अच्छा स्टार्ट मिलेगा तो फिर नीचे हमारे पास कोहली है या डिविलियर्स है तो हम उसको अच्छा नंबर एक टोटल करेंगे, वो नहीं चल सका। तो ये भी देखना है कि अब जो इन्होंने प्लेयर रखने हैं ओवरसीज वो किस तरह के प्लेयर होंगे। देखिए ये बड़ी अजीब सी बात है कि मैं जो मैंने काफी सारी टीमों में देखी है कि मतलब मेरे ख्याल में तो आप जब ओवरसीज पिक करते हैं आप वो टॉप 4 के पिक करते हैं कि जिन्होंने बाहर नहीं होना, जिन्होंने टीम में डिफरेंस डालना है। तो अब अगर फिंच को बाहर बैठाना पड़ गया और काफी सारी टीमों में मैं देखता हूँ कि उनके ओवरसीज को खिलाएं ना खिलाएं, मतलब तीसरे चौथे मैच के बाद डिबेट शुरू हो गई थी कि इसको इसकी जगह इसको खिलाना चाहिए, इसकी जगह इसको खिलाना चाहिए। एग्जैक्टली, जैसे मिलर ही बाहर बैठा हुआ उधर उसको लेके आ सकते हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं कि लेकिन जो प्लेयर लेके आए वो ऐसे हों कि वो फिर 4 के 4 जो है ना वो एक कंसिस्टेंटली खेलें, ताकि टीम की ये जो गड़बड़ है ना ये नहीं होनी चाहिए कि अब जैसे फिंच को कितना लंबा रन दिया है, जैसे मैक्सवेल है कितना लंबा रन दिया,
इस तरह की जो मतलब ओवरसीज प्लेयर भी वो हों जो कि फिर अपनी टीम में परमानेंट प्लेस रखें, ताकि ये चार छेड़ने की जरूरत ना पड़े। उसके बाद डिविलियर है, मतलब वो कोहली है, और फिर तीन चार जो उसके साथ नीचे प्लेयर है वो सेटल। एक सेटल देखे मुंबई इंडियन की कितनी चेंजेस हुई है, नहीं हुई ना एग्जैक्टली उन्होंने किसी को ड्रॉप नहीं ना वे के रेस्ट करवाया, बोल्ट पोलार्ड और ऊपर से डीकॉक, वरना मुसलसल वही खेलते आ रहे हैं, और क्योंकि वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो फिर वैसे ही खेलते आ रहे हैं। आप क्या समझते हो मौसम भाई, व्हाट शुड दे डू इन नेक्स्ट आईपीएल टू स्ट्रेंथन देयर टीम? एक तो ये अपने सारे सारे जितने भी इनके फॉरेन प्लेयर्स हैं उनको रिलीज कर दें, इनके एक भी ना उड़ाना है, ना अपना वो था क्या कहते हैं फिंच कर रहा है, ना इनका वो स्टैन ने कुछ किया है, मतलब इनके जितने भी फॉरेनर्स हैं ना थोड़ा सा। मोइन अली भी, मोइन अली तो बिल्कुल ही फ्लॉप हुआ है, रन आउट हो गया फ्री हिट के ऊपर। मॉरिस है, देखो मॉरिस को आप हल्का सा चांस दे सकते हो, देखो इनके पास कोई एक्सप्रेस फास्ट बॉलर नहीं। एक्सप्रेस तो क्या है, इनके एक सैनी को छोड़ के जो वो 140 प्लस पे जाता है, 150 को भी टच कर जाता है, लेकिन वो तो लोकल हो गया ना, वो बात आपकी ठीक है। देखो उधर मिलर है, स्टोक्स है, बटलर है, स्मिथ है, और सैम टॉम करन था। उधर ये हालत हुई कि टॉम करन और मिलर की बारी ही नहीं आई, बारी ही नहीं आई, क्योंकि वो चार इतने स्ट्रांग थे बिल्कुल। मैं इस बार यही सीएसके का प्रॉब्लम है, उनके पास भी कोई मजेदार प्लेयर नहीं है, यही पंजाब का। सिर्फ अगर कोई टीम हमें नजर आती है लोकल टैलेंट में भी और इंटरनेशनल, तो वो मुंबई इंडियन ही है। अच्छा, अब ये कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, बात है बड़ी साफ सी। अब इस पर कुछ लोगों को फिर मसला होगा, वाहिद प्लेयर दो टीमें हैं जो फुल फ्लेज कप्तान के गिर्द घूमती हैं, एक सीएसके और एक आरसीबी। तो भाईजान आपने टीम क्यों नहीं इकट्ठी कर रहे, आप क्यों नहीं दुबे, माजरत के साथ दुबे इज नॉट दैट मटेरियल, आप खामखा अपना टाइम जाया कर रहे हैं और करते रहेंगे। अगर आप ऐसे प्लेयरों को प्रमोट करेंगे तो फिर आपको नुकसान होगा। देखें, आप एक वाशिंगटन सुंदर, एक सैनी, एक आपने रिटेन करना है चाहल को, पार्टीकाल को भी आप रख लें, ठीक है, उसको ऊपर थोड़ा काम होने की जरूरत है। इज नॉट बैड टैलेंट, इज ए गुड टैलेंट, स्कोर भी उसने किया है, 550 ऐसी तो नहीं बंदा कर जाता, ठीक है। किसी जगह पिछले मैच में स्ट्राइक रेट आप नहीं कह सकते, टीम नीचे लगी हुई थी, कल के मैच में ऑब्वियसली उसने जल्दी की। देखें कल के मैच में तो ये इतनी जल्दी में थे, बॉल स्टॉप स्टार्ट था, सुकून से खेलते जैसे विलियमसन ने खेला, जैसे एबी ने खेला, जैसे होल्डर ने खेला। अगर ये सुकून से खेलते, बारी लेते, और सबसे बढ़कर मैं ये कहूंगा कि कोहली को अब यहाँ आके सोचना है, अब यहाँ नहीं सोचना, यहाँ बहुत सोच लिया। ये जो क्रिटिसिज्म होता है, मुंह खुलते हैं वो क्यों खुलते हैं, टाइटल ना मिलने की वजह से। एक टाइटल अंडर द बेल्ट आएगा, सारी चीजें जो है ना वो ठीक हो जाएंगी, इनको ओवरहॉलिंग। और इंडियन टैलेंट, यस इंडियन टैलेंट आपको चाहिए। देखे जो इंडियन टैलेंट मुंबई के पास है, या इवन किसी हद तक आप कह सकते डीसी के पास भी है, वो टैलेंट आपको बाकी टीमों में नजर नहीं आता। आप सनराइजर के पास भी देखो, समत वगैरह हैं, नटराजन आ गया है और कमाल की बॉलिंग की है। कल जो उसने एबी को आउट किया है, वो हर बंदा नहीं आउट कर सकता एबी को, इवन हाफ मतलब लोकल टैलेंट अच्छा, लोकल टैलेंट आपको चाहिए टीमों में। देखे वो, देखो संदीप शर्मा कमाल का बॉलर है, उस बेचारे का कोई नाम ही नहीं लेता। कल भी देख लें, चार ओवर में वो विकेट नहीं ले सका, रनजे गए 18-20। तो देखे ना, ये आपने देखना है। और आपने कल एक चीज सबसे बड़ी नोट की है, जेम्पा इतने मैच बिठाने के बाद, यही मैं कहता हूँ, फिंच में भी चले वो आउट ऑफ शॉट था, जो भी था 32-33 कर गया ना इंपॉर्टेंट रन से। आप ये फिलिपी यार भाई, वो करते होंगे बिग बैश में, हमें नहीं, हमें तो यहाँ चाहिए ना जो हमारे कंडीशन में स्कोर करके दे। अगर आपने बड़े बड़े पैसे, जैसे आपने मैक्सवेल का नाम ले लिया, चलो फ्लिपी की जगह ही तब बनी थी ना, फिंच से कुछ हो ही नहीं पा रहा था, इसलिए तो उसकी जगह बन ही नहीं रही थी ना, नजर आ रहा था रिजवान उसके पास बड़ा शॉट ही नहीं है। तीन चार मैच फ्लिपी खेला है, शुरू स्टार्ट ही फ्लिपी से लिया है, फिर बीच में आया फिंच, और फिर वो आपस में की वो म्यूजिक चेयर चलता रहा, आउट ऑफ शॉट्स है। बात यह है कि यू नीड एक, जिसे कहते हैं ना, रिवैम्प करना होता है, रिवैम्प करें टीम को। आपने देखो, आप तो पाकिस्तान इंडियन टीम के कप्तान है, आपके लिए तो सबसे आसान है टैलेंट को आइडेंटिफाई करना,
कि भाई ये टैलेंट है, ये टैलेंट है, अगर आप उस पर नहीं जाएंगे तो आप सफर करते रहेंगे। आप देखो ना, बातें हो रही हैं 7-8 साल से ये आरसीबी की कप्तानी कर रहे हैं और ऑर्डिनरी से सीजन है, इस दफा 4 में है, पिछली दफा 8 में थे, कभी 5 में थे, कभी फाइनल खेलते हैं, ये चीजें, फिर कभी 5वें नंबर पे फिनिश करते हैं, कभी 7वें नंबर पे, फिर बातें होती हैं। बातें उसी वक्त रुकती हैं जब आपका बैट या आपके टाइटल्स बोलते हैं। अब हिटमैन ने 4 टाइटल जीते हैं, धोनी ने 3 टाइटल जीते हैं, इसी तरह अब आपका टाइम आ गया है, नाउ गो फॉर फ्रेश लेग्स। सही बात है जी, और देखिए टीम का भी काफी फर्क पड़ता है और रिजल्ट का भी काफी फर्क पड़ता है। उस दिन रोहित शर्मा जो है वो 0 पे आउट हुए, बट प्रॉब्ली नो वन इज टॉकिंग अबाउट हिम। व्हाई? बिकॉज उनकी टीम जो है जितने कमांडिंग तरीके से जीती है, तो वो इतने कमांडिंग तरीके से जीती है उनकी टीम, तो फिर किसी को नजर ही नहीं आ रहा जी रोहित शर्मा तो उस दिन कुछ करके नहीं गए, क्योंकि विराट कोहली उनकी टीम हार गई है, तो इसलिए ज्यादा लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि यार ये क्या, हमें कब तक ये देखने को मिलेगा आरसीबी के जो फैंस हैं वो भी, और कि ये नॉकआउट स्टेज में क्यों इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं आती। तो जब आप हार जाते हैं एज अ कप्तान, फिर आपने अगर बुरा किया हो तो फिर लोग ज़्यादा बातें करते हैं। तो एग्जांपल आपके सामने है, रोहित शर्मा जो उनकी टीम जीती है, तो प्रॉब्ली नो वन इज टॉकिंग अबाउट हिम। मैच कल का मजीद तगड़ा हो सकता था, 150 वाज द मैजिक नंबर, 150 तक ले जाते, खैर फिर वो भी थोड़ा अच्छा तेज खेलते, लेकिन मैं समझता हूं कि कल जो एफर्ट की है आरसीबी ने और उनके कप्तान ने, काफ़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की उन्होंने एफर्ट किया है, मैच को बड़ा क्लोज लेके गए हैं, और आखिरी ओवर में जब 9 रन रहते थे, एट दैट मोमेंट दोनों तरफ जा सकता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमने देखा है पास्ट में भी कई दफा देखा है, मेडिकल अगर कैच वो कर लेता, हाँ वो 5 स्कोर वो बचाए उसने, बट वहाँ पे विकेट जो थी वो चाहिए थी, लेकिन वही मैं बात कर रहा था, हमने वी हैव सीन इट इन द पास्ट, मतलब 8-9 से कम रन्स भी आखिरी ओवर में डिफेंड हुए हुए, लेकिन बट इट वाज द डे ऑफ विलियमसन, और जिस तरह से होल्डर ने आके उनका फिर साथ निभाया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की कैलकुलेटेड इनिंग्स उन्होंने खेली है विलियमसन ने, और कमेंटेटर भी गवास्कर और बाकी लोग भी बार बार यही कह रहे थे दिस इज द विकेट, विलियमसन की ही विकेट चाहिए थी, अगर वहाँ से विकेट मिल जाती। फिर हमने देखा अंडर प्रेशर वो प्राग नया बच्चा है, 17 गेंदों पे आ गया, 14 गेंदों पे 7 करके गया, अंडर प्रेशर सस्टेन नहीं कर सका, और उसके बाद समझ रह गया था अगर विलियमसन आउट हो जाते तो उनकी बारी थी, इट कुड हैव गॉन बोथ वेज, फिर भी काफ़ी क्लोज मैच हुआ। विलियमसन देखिए कमाल के बैट्समैन है, चाहे वो टेस्ट हो, T20 हो और ODI हो, कल भी उन्होंने दे वॉज अ फेस कि जब 7-8 ओवर्स में एक चौका भी नहीं आया था, 3-4 के रन रेट से रन आ रहे थे, लेकिन उन्हें पता था कि अगर आखिर तक मैं रुका रहा तो ये मैच मैं ले जाऊंगा, और वो फिर उन्होंने ले गया, और हर बंदा ही फिर तारीफ कर रहा था। आरसीबी और विराट कोहली उन्होंने भी अपना पूरा जोर लगाया जो कुछ उनके पास था, फिर जितने रन डिफेंड करने के लिए। देखें एक चीज जो कल जो डिफरेंस था ना, बिगेस्ट डिफरेंस जिस पे हम अभी बात कर रहे थे, देखें जब आप इस प्लेऑफ में जाते हैं ना, इसका मतलब ये होना चाहिए कि आपकी टीम सेटल होगी। 14 मैच आप खेले हैं, और फिर आप जब 15वां मैच खेल रहे हैं प्लेऑफ का, तो 4 चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है, इसका क्या मतलब है? मतलब आप अभी तक सेटल नहीं हो सके, अभी तक आपकी टीम की कॉम्बिनेशन ही नहीं बन सका। एग्जैक्टली। अब इन अदर हैंड अब एक साहब बार हुआ, वो भी फोर्स इंजरी की वजह से, इनका एक भी वो मोरिस का फोर्स था बाकी तो, लेकिन वही मैं कहता हूँ जब आप 4 चेंजेस करते हैं और फिर आप चाहेंगे जी आपकी मर्जी का रिजल्ट है, हो सकता था कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिविलियर्स खेल जाता या एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिराज का स्पेल हो जाता ऊपर से, तो हो सकता था, लेकिन वो ना दे वर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम इंडिविजुअल्स, वो टीम वाली बात। देखें एक जो टीम हमेशा टीम मैच जीती है, इंडिविजुअल मैच नहीं जीते, तो वो टीम जो थी वो कल हैदराबाद की थी, जो कंसिस्टेंटली 3 बड़े मैच जीत के आई, फिर 4th मैच में वो टीम नजर आ रही थी, तो ये जो थे ये इंडिविजुअल नजर आ रहे थे, एक दूसरे को देख रहे थे, वो शायद परफॉर्मेंस करे या वो करे, एज ए होल टीम आप परफॉर्मेंस नहीं कर सकते, ये यही चीज़ है। अब नेक्स्ट जब ये टीमें बनाएं, जब ये नेक्स्ट अपनी टीम की फॉर्मेशन बनाएं, तो वो ऐसी होनी चाहिए कि ठीक है फोर्स्ड कोई इंजरी की वजह से कोई बाहर होता है, अदरवाइज आपके जो आप जब ड्राफ्ट ही करते हैं तो पहले आप 11 नाम लिखते हैं अपने, उसके आगे रिप्लेसमेंट, ये अगर ये ड्राफ्ट में ना आया तो ये 11 बनाने के बाद फिर आप अपनी
नीचे बनाते हैं। ये तो देखे ना, आखिरी ले लिया या उसको ले लिया, अब नहीं हुआ। तो वो मकसद है कि इस तरह के प्लेयर तो बेशुमार पड़े हुए हैं इंडिया में, आप इंडियन अच्छे प्लेयर उठा लें। ये चीजें देखनी चाहिए। सही बात है जी, आखिरी मैच तक उनसे फाइनलाइज ही नहीं हुआ अपनी प्लेइंग 11। हालांकि बात बिल्कुल ठीक है, जो प्लेइंग 11 इक्का दुक्का चेंज होता है, वरना आप आखिरी एटलीस्ट 4-5 मैचों में जो मोमेंटम बना होता है, जो टीम आपकी अच्छा कर रही होती है वही। लेकिन पिछले ही जो 3-4 मैच हारे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि शायद के इस दफ़ा कोई लेट गिव चांस टू सम न्यू प्लेयर्स, मे बी दे ब्रिंग सम लक। ऐसा हुआ नहीं। और आप आरसीबी के फैंस, जैसे सीएसके के फैंस हैं, वो वेट करें अगले आईपीएल के लिए कब होगा। अगले आईपीएल में भी कोई मेजर ओवरहॉल नहीं होगी, ये जरा ज़हन में रखें। दूसरी तरफ हैदराबाद, उनकी तारीफ जितनी करें उतनी कम, पिछले 3-4 मैचेस में से सारी उनके लिए नॉकआउट हैं, एक भी मैच हारते तो बाहर। और फिर बेस्ट टीम्स जो होती हैं, जो कि इंडिविजुअल पे डिपेंड नहीं करती, उनकी टीम की खूबसूरत बात है कि हर मैच में नया मैन ऑफ द मैच, जितने मैच जीते हैं भाईजान कोई रिपीट नहीं हुआ था, हर 7-8 जितने भी मैच उनके हैं, दिस शोज द टीम वर्क। टीम का मतलब ये है कि आप किसी एक पे डिपेंड ना हो, सारे होते हैं 2-3 प्लेयर हर टीम में अच्छे होते हैं जिन पे आप ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन उनकी बताया उनके खिलाड़ियों ने कि वो सारे ही उनमें से ऐसी परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। 5 बॉलर खिलाए, 5 नहीं बॉलिंग की, मैच विनिंग 20 ओवर उन्हीं और सब ने मैच विनिंग स्पेल की। हाँ। सारों ने 5 के 5 अगर आप उठा के देखें, एक ने एक बढ़ के बॉलिंग की। तो देखिए आप इसी से अंदाजा लगाइए, डिफरेंट मैन ऑफ द मैच इन डिफरेंट मैचेस, इसका मतलब ये होता है कि आप किसी एक खिलाड़ी पर डिपेंडेंट नहीं है, सारे ही अपनी एफर्ट लगाते हैं और टीम वर्क प्रॉपर उनमें कम्बिनेशन नजर आता है, बॉडी लैंग्वेज और हर लिहाज से एट द मोमेंट दे आर इन वेरी गुड पोजिशन टू गिव वेरी टफ टाइम। अब तो खैर 2 ही मैचेस आ गए हैं दिल्ली को भी, और फाइनल में अगर पहुंचते हैं तो फिर मुंबई की टीम को भी। मौसम भाई, फ्यू वर्ड्स फॉर हैदराबाद। अमेजिंग परफॉर्मेंस, एक्सीलेंट, जैसे आपने कहा टीम कम्बिनेशन, कप्तान बहुत अच्छा, बैट्समैन अपनी जगह, बॉलर अपनी जगह, और फिर कल नटरंजन ने बेशक एक आध उसको पड़ गई, लेकिन उसने फुल टॉस है नहीं दी कल, उसने यॉर्कर्स मारे। यही हम देखो, बॉल अच्छी जगह करें, छिका पड़े कोई बात नहीं, चौका पड़े कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप फुल टॉस देंगे तो इट्स अ क्राइम। एबी डिविलियर्स वाली बॉल पे जरा कुछ नहीं, वो तो मैं बार बार 3 दफा मेरे ख्याल शो में कह चुका, वो तो मेरे ख्याल है वन ऑफ द बॉल्स ऑफ द टूर्नामेंट होगी। जैसे धवन को बॉल पड़ी थी बुमराह की, वो तो खैर शियर पेस के साथ थी और लेकिन लोग कह रहे हैं कि ये वाली ज्यादा उनको खूबसूरत डिलीवरी लगी है। ये भी था ना सामने, ये भी था, और जब फॉर्म में था मतलब 50 करके खड़ा हुआ था रिजवान, जिस जगह वो आउट हुआ था ना, प्लीज इस तरह नहीं होता। ए भी आउट हुआ है 50 प्लस करके मारने जा रहा था, धवन डिफेंस करने जा रहा था, शुरू की बॉल थी, शुरू की, ये समझने वाली बात है। तो वो भी यही कह रहे हैं, और नई गेंद है उसके पास, कंट्रोल है, पुरानी गेंद से मार रहा था ना भाई जान, उसने पुरानी गेंद से इतना अच्छा यॉर्कर एग्जीक्यूट किया उसने, और उस फॉर्म को जो पिच देख चुका है, रन कर चुका है, उस वाले बैट्समैन को मारा। मेरे नजदीक आप किसी से भी पूछ लें इस पे, बुमराह की बॉल वो ज्यादा बड़ी बॉल थी, वो इसलिए ज्यादा बड़ी बॉल थी कि धवन उससे क्योंकि बुमराह ने गिराई थी, नहीं नहीं उससे पिछले यार मैच, फिर आप अपनी बात कर लें, फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। तो अगर आप समझते हैं तो आप कह दें, तो आप अपनी बात नहीं, मैंने तो आपको बता दिया कि मेरे, आप कह दें कि नहीं है खत्म होगी, मेरे नजदीक आप इसको सुकून से सोचे, एक बंदा आखिरी ओवर खेल रहा है, आखिरी ओवर में वो मारने जाएगा, एक बंदा पहली बॉल खेल रहा है वो मारने नहीं जाएगा, बस इतनी बात है। सरकमस्टेंसेस देखे में डिफरेंट है, इसने जो डिविलियर्स को आउट किया है उसने 20-25 रन का डिफरेंस डाला है। अगर वो पूरे ओवर खेल जाता तो 150 तो हो ही जाना था, मतलब अगर 125 तक ये आराम से हो जाना। देखे ना इम्पोर्टेंस ऑफ बॉल है ना, कि मतलब ठीक है बुमराह की बॉल का अपना वो क्लास थी, सिग्निफिकेंस, लेकिन ये जो बॉल था इसका इफेक्ट बड़ा था। 25 रन का डेफिनेट फर्क पड़ा, उसका भी यही फर्क था, अगर धवन खड़ा हो जाता तो कितना फर्क आता, जिस तरह डीसी जो है मर 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 के 147 पे ना जाती। मोहसिन भाई देखे ना बुमराह, दोनों ही अच्छी थी, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ बुमराह की अच्छी थी, दोनों चले, अगर वो ना अगर वो आउट उधर बुमराह के बॉल ना उसे पड़ता, फिर आपके पास चांस था, अभी और बॉलर्स थे धवन को करवाते, फिर आउट होने का चांस था, लेकिन यहाँ पे अब चांस नहीं था, यहाँ तो आपके पास लिमिटेड बॉल बचे थे जिसमें आपने रन्स कंटेन करने, इसको आउट करने थे, तो
वो इसलिए वैल्यूएबल बॉल आपकी और इंपैक्टफुल बॉल उनकी टीम में मोस्ट वैल्यूएबल जो विकेट है वो आप किसी से पूछे और आपने देखा है कि आखिरी वो एक मैच राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ था आई गेस 12 गेंदों पे कोई 35-37 चाहिए था कुछ ऐसा तो 11 गेंदों पे या 9 गेंदों पे पूरा कर देता है एबी डिविलियर्स ने उसको दो ओवर में ही उसमें सलाहियत है कि वो 30 से 35 कर दे बड़ी क्रूशियल विकेट थी उसकी और उसने वाकई और कल तो देखें खेले ही एबी है अगर आप देखें पूरी आरसीबी में तो खेला सिर्फ एबी है एबी डिविलियर्स की 50 थी महाराज जी वो बड़े अच्छे प्रॉस्पेक्ट हैं इंडिया के लिए और जैसे मौसम भी कहते हैं इतना बड़ा जहाज जा रहा है तो उसमें उसको भी कहीं डाल डूल के ले जाते नटराजन को देखो जहाज की बात नहीं ये आपका फ्यूचर है आपने जो सिलेक्ट किए हैं ना ईमानदारी से या तो पास्ट परफॉर्मेंसेस पे किए हैं या आपने आईपीएल से ही किए हैं तीसरा क्या वो रॉकेट साइंस लगाई है वो तो बताए ना हमें सही है और आईपीएल में दुनिया के तमाम बड़े बैट्समैन और बॉलर खेल रहे थे आप ये तो नहीं कह सकते नहीं खेल रहे थे अब कोई तो एक बताए ना कि नहीं ये वजह है फिर हम कहेंगे हाँ यार इस बात में वजन है बिल्कुल जी कॉम्बिनेशन बड़ा बेहतरीन चाहे वो बॉलिंग हो बैटिंग हो और बीच में अभी तो इनके समझ का कल चांस नहीं बना वो भी अच्छी मतलब कर लेता है बॉलिंग भी अगर जरूरत हो तो वो भी करवा लेता है लॉन्ग हैंडल भी यूज़ हाँ ओवरऑल अच्छा इनका कॉम्बिनेशन बना है हर खिलाड़ी को इस पर भी रोल पता है अपना क्या क्या करना है मैं उसने अच्छी कप्तानी की है होल्डर को भेजा होल्डर कूल माइंडेड है निजारे मैच बड़े तो जीत गए हैं तो अब तो प्रूव हो गया कि अच्छा ही फैसला किया समय अगर ऊपर आता तो यही वाली बात हो सकती थी जैसे वो 14 बॉलें खेल के 7 आउट करके आउट हो गया था ये हो सकता था क्योंकि इन एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंस में यही गैप है यही फर्क है दोनों टेस्ट कप्तान खेले लोग बातें कर रहे हैं कि जी देखें विलियमसन पे प्रेशर नहीं था उसको नॉकआउट नहीं था उसका मैच लेकिन वो जिस तरह की इनिंग्स खेला ऐसी इनिंग्स होती है प्रेशर गेम में ठीक है तो ये इस तरह कोहली जिस बॉल पे आउट हुआ है मैं तो बार-बार कहूंगा वो आउट होने वाली बॉल ही नहीं है लेग स्टंप पे थोड़ा अलग ही भी आउट हुआ है वो भी हां अजीब सी शॉट है भाई विकेट स्टॉप स्टार्ट होने वाला नहीं था बिल्कुल नहीं था तो फिंच का कौन सा आउट होने वाला बॉल था यस एबी का था दुबे किस बॉल पे आउट हुआ है वो वाशिंगटन सुंदर किस तरह आउट हुआ है देखिए ये तो सारे इसी तरह आउट हुए हैं ना और आरसीबी को कुछ जैसे बता रहे हैं प्रॉपर जेन्युइन कोई ऑलराउंडर रखने चाहिए आधा तीतर आधा बटेर ऐसा वाला काम नहीं चाहिए तीतर बटेर भी तो नहीं है ना अब तीतर बटेर भी नहीं है ये अब जी अगला जो मैच है वो चूंकि आज नहीं है हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल का उस पर हम कल वाली वीडियो पे डिस्कशन करेंगे आज पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का जो मैच है उस पर थोड़ी बात कर लेते हैं मौसम भाई पिछले दिनों कोई इंजमाम भाई काफी जरा थोड़े नाराज थे इन अ वे के बाबर आजम इंजमाम द मैच विनर अपने यूट्यूब चैनल पे बाबर आजम को कह रहे थे जी मैच फिनिश करके आना चाहिए था जब तक काफी कुछ सीखने को है अभी उनके पास काफी क्रिटिसिज्म किया कि जी अभी वहां तक लेके गए थे तो जिता भी देते तो ये क्या पूरा मतलब जिम्मा सरफ बाबर आजम को ज्यादा पैसे मिलते हैं पीसीबी की तरफ से या थोड़े से मिलते हैं वैसे एक कैटेगरी में लेकिन इतने ज्यादा भी नहीं मिलते कि बाकी कुछ ना करें उसको क्या खरात में दी है सकात में दी वो परफॉर्मेंस की वजह से आई है लेकिन दूसरों को भी मिलते हैं ऐसा नहीं है कि नहीं मिलते नहीं नहीं मुझे ये बताएं कि बहुत बड़े जनाब इतना बड़े जनाब द मैच विनर साहब उनको अपना भतीजा नजर नहीं आया जिस तरह उसकी किल्ली खड़की है और ये सिर्फ है ही है इंजमाम की वजह से और किस लिए आया इस तरह के तो लाख प्लेयर पड़ा है पाकिस्तान में 1 लाख प्लेयर मैं आपको दे सकता हूं कम से कम 1 लाख प्लेयर होगा इस तरह के ऑर्डिनरी शुरू में बेड़ा गर्क कर देता है टीम का इतने डॉट बॉल टुक 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 बाद में जाके 100 करता है 100 रन करने का क्या फायदा जब आप दूसरे प्लेयर को अंडर प्रेशर लाते हैं आप कहते हैं ना यार मेरा भतीजा जो है जो मेरी पर्ची है मेरी वजह से खेलता है वो जिस तरह आउट हुआ है 4 रन बना के वाकई यार और जिस तरह वो सेल्फिश खेलता है नेशनल T20 में भी हमने देखा 100 करने के चक्कर में रन नहीं लिए उसने और फिर क्या हुआ वो फिर ऊपर बैठा है नीली छतरी वाला भाई बात ये हम बाबर को बिल्कुल क्रिटिसाइज करते हैं जहां पे बनता है ये थोड़ी है कि हमारा बाबर एक ही तो हमारे पास प्लेयर है हम उसी पे भी शुरू हो जाए और तूने क्या किया था जब तू चीफ सिलेक्टर था भाई है क्या किया था सिवाय हर जहाज की दुम में बैठ के पहुंच जाता था क्या काम था वहां चीफ सिलेक्टर का जनाब मुझे बताएं कौन सा दुनिया का चीफ सिलेक्टर जाता है टूर्स पे कोई एक नाम बता दे मुझे बातें करते हैं पिच के ऊपर फिर रहा होता है और पिच पे ऐसे फिर रहा जैसे रोलर की जगह इसको चला रहे होते हैं को लेक्चर दे रहे हैं लेक्चर देते हैं बाहर खड़े होके एक्शन तस्वीरें खिंचानी के जी मैं बड़ा इन्वॉल्व है काम ये सब देखें ये सारे वो लोग हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर नौकरियां चाहते हैं और कोई वजह नहीं है बाहर बैठते हैं इनको
कीड़े मकोड़े सब कुछ नजर आता है, अंदर आते हैं तो सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा है, कैसे अच्छा है? मुझे बताएं इमामुल हक की क्या परफॉर्मेंस थी, कैसे वो बार बार अंदर आ जाता है, T20 खेलता है तो वनडे में भी आ जाता है, T20 खेलता है तो टेस्ट में भी आ जाता है, कैसे? मुझे वो बताएं इंजमामुल हक साहब, मिसबाउल हक साहब, ये जितने हक इकट्ठे हो गए ना, इन हकों ने पाकिस्तान की क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया है। आज हम यहाँ बैठ के सोचते हैं कि या अल्लाह पाकिस्तान जिम्बाब्वे को तो हरा लेगा ना, या अल्लाह दुआएं पहले हम ऑस्ट्रेलिया के लिए करते थे, इंडिया के लिए करते थे, अब हम दुआएं करते हैं जिम्बाब्वे, युगंडा, एमिरेट्स, पता नहीं किस किस टीमों के लिए हमें दुआएं करनी पड़ती हैं पाकिस्तान के लिए। सभी भाई, पाकिस्तान का आज मैच है जिम्बाब्वे के खिलाफ, और वैसे तो हमने थोड़ी सी डिस्कशन की है इस पर, कोई गुंजाइश तो अब इनको बाकी बची नहीं होगी कि अगर कहीं जहनों गुमान में कहीं पे भी अगर हल्की सी भी एक सोच है कि इस थोड़े सा हम जरा लीनियंट हो जाएं, वो वाली तो बात अब है नहीं। तो व्हाट डू यू थिंक, क्या अप्रोच होनी चाहिए और कौन सी प्लेइंग 11 किनको जरा मौका मिलना चाहिए? देखिए, प्लेइंग 11 तो मुझे सिंपल सी नजर आ रही है। हाँ। कि वो तो ठीक है, ओपनर बाबर आजम के साथ फखर जमान होगा, हैदर अली होगा, 4 पे फीज आएगा, 5 पे शुएब आएगा, 6 पे इफ्तिखार आएगा, 7 पे माद वसीम आएगा, 8 पे आरिस रऊफ आएगा, और फिर शाहीन शाह और शादाब तो फिट नहीं है, अब देखे, अब इसमें वही चीज है कि ये तो सेफ टीम है, वहाब भी खेले, वहाब भी तो है ना टीम, ठीक है वो खेल जाएगा, उसने 50 भी कर दिया हुआ है, काफी है उसका अगले वर्ल्ड कप तक जाने के लिए, दो वर्ल्ड कप जी, एक नहीं दो। तो अब ये देखें, अब इसमें क्या ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि बीच में से ये घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं कि जो आखिरी मैच हारे हैं, ठीक है उसके बाद अब ये कोई चांस लेने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है ना ले चांस, खुशदिल शाह को मेरा ख्याल फिर वो आएगा अगर शुएब नहीं। तो रिजवान भाई देखें, आप ने किस कॉम्बिनेशन के साथ जाना है, सही है? क्या आप अमाद वसीम अकेला खेलेगा, नहीं खेलना चाहिए, अगर जफर गौर बाहर बैठा हुआ है, अगर उस्मान कादर बाहर बैठा हुआ है, स्पिनर दो खेलने चाहिए, ठीक है, इनको ये नहीं दो स्पिनर लग है ना कि प्रॉपर स्पिनर खेलना चाहिए, प्रॉपर दो स्पिनर, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, अमाद वसीम इज नॉट प्रॉपर स्पिनर, T20 में चल जाता है, चल जाता है, चल जाता है, T20 का वो वर्ल्ड कप, भाई आपको एक स्पिनर जैसे शादाब खान है ना, विकेट टेकिंग बॉलर, आपको जफर गौर में इसमें से किसी को लेके आना चाहिए, उस्मान कादर को, ताकि आपकी टीम, आप उस्मान कादर को पिछले एक साल से कैरी कर रहे हैं, खिला क्यों नहीं रहे उसको, मुझे ये क्यों नहीं समझ, क्यों नहीं आपका सबका कप्तान जो आपके अंडर खेला है, क्यों नहीं खिला रहा उसे, क्या मसला गया है वैसे? अब वैसे माइट बी दे हैव लर्न लेसन, और स्पिनर्स को नहीं प्रॉपर को डाला ओडीआई सीरीज में, आपने देखा, और पाकिस्तान क्रिकेट, और आज आई होप के डालेंगे, जैसे बता रहे हैं उस्मान को या जफर गौर किसी एक को डालना चाहिए, रिजवान साहब ये लेसन लर्न करते तो पाकिस्तान की टीम का ये हाल ना होता, नहीं वो मैच हार गए, अब हार काफी कुछ सिखा देती है, हार से ये और डर जाएंगे, ये डर जाएंगे, ये हार से सीखते नहीं है, डरते हैं, मैं गलत तो नहीं कह रहे भाई, नहीं होपफुली आज अच्छी प्रॉपर बैलेंस, चिकन बोरा उनका आ गया वापस, वो खेलेगा, चिकन बोरा वो स्पेशलिस्ट है, उनका उनका स्पेशलिस्ट है, सिकंदर रजा स्पेशलिस्ट है, फिर आप विलियम्स है, टीम उनकी जो है वो बड़ी अच्छी बैलेंस, और क्या पता इरवन आज आपको लंबा डाल दे, यू नेवर नो, वो बड़ा प्लेयर है सर, मुजर रबानी का नाम नहीं ले रहे आप सर, बैटिंग की बात हो रही है ना, अभी बॉलिंग में तो गए ही नहीं, बॉलिंग में मुजर रबानी भाई सर, बॉलिंग में तो गए ही नहीं, अभी तो बैट्समैन है, थोड़ा रखना मुजर रबानी साहब, नहीं जी अपना फुल रखना भाई जान, ताड़ी मेहरबानी होगी, कल के पता किसने पूछा कि सभी भाई ये जिम्बाब्वे की टीम में मूसा रबानी कौन खेल रहा है, मैं क्या मूसा रबानी खेल रहा है वो समझे शायद कि पाकिस्तानी एक्टर खेल रहा है जाके, अरे मूसा खान हो मूसा रबानी याद, और शाम में आएंगे हम ऑनलाइन, तब आपसे मुलाकात इंशाल्लाह होगी,
और अपने चैनल बोल दीजिए रिजवान हैदर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, प्यार बढ़ाइए। सभी हैदर साहब के माई मास्टर क्रिकेट को चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। शाम को मिलते हैं इनकी अकेडमी के इनॉग्रेशन से। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।